हेलो, आप सभी का परमात्मा क्लास पर स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसकी आज नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आज जो प्रीवियस में क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा, आज का क्वेश्चन आज का ये वाला क्वेश्चन है कि निश्चित कोड भाषा में टेन टेन को जीरो लिखा जाता है, तो उसी में टेन कोड को कैसे लिखेंगे इसके अंदर। इसमें क्या क्वेश्चन है ये वाला कि जो अपना पेन टेन है, पेन टेन को जीरो लिखा है और इसमें टेन कोड को इस कोड में लिखना है अपने को। तो भाई पेन टेन लिखा हुआ है, इसको लिखो आप पहले। पेन लिखा है फिर टेन लिखा है कि नंबरिंग लिखो आप। नंबरिंग में कितने पे है ये 16 पे है, ये 5 पे है, ये 14 पे है, और टी अपना कितने पे है 20 पे, ये 8 पे है, एन 14 पे है। लास्ट वाले तीनों हैं, इनको प्लस करने से कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो फर्स्ट थ्री है उनको प्लस करने से कितना 35, तो बीच में जो अपना माइनस था माइनस करने से कितना आ रहा है कि जीरो आ रहा है अपने पास में, जीरो आ रहा है। तो भाई क्या किया इसमें, जो स्टार्टिंग को तीन है इनको प्लस करना है और जो लास्ट के तीन प्लस करके इनको माइनस करना है। तो टेन के लिए अपने क्या लिखेंगे, क्या ई अपना कितने पे है 5 पे है, एन अपना कितने पे है 14 पे है, एन कितने पे अपने पास में 14 पे है। तो 14 5 और 4 मिला के कितने हो गए अपने पास में 23 हो गए। और कॉप कितने पे लिखेंगे अपने, सी अपना 3 पे है, वो अपना कितने पे है वो अपना 15 पे है, और बी अपना 2 पे है। तीनों को मिला के कितना होगा 15 3 18 18 2 30। इस क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में ऑप्शन, क्या आएगा बी ऑप्शन। क्या क्या इसके अंदर कि स्टार्टिंग है तो 3 अल्फाबेट है तो प्लस करना है, वो लास्ट के जो 3 अल्फाबेट है इनको प्लस में करने के बाद में दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इसमें क्या है बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि जो एम ई ए टी है उसको टी ई ए एम में लिखा गया है। जो एम ई ए टी है अपने पास में इसको क्या लिखा है कि टी ए एम लिखा है। देखो आपको जो बीच वाले दोनों अल्फाबेट है वो तो सेम टू सेम पड़े हैं, और जो लास्ट फर्स्ट वाला वो लास्ट में गया और लास्ट वाला है वो फर्स्ट में आ गया। क्या किया गया, जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको लास्ट में लिखना है, वो जो लास्ट वाला अल्फाबेट है उसको एक नंबर पे रखना है, वो जो बीच के अल्फाबेट है आपको सेम ऑर्डर में जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे का वैसे लिखो। तो वेल को क्या लिखोगे भाई, वेल को क्या लिखोगे, वेल में लास्ट अल्फाबेट के ई, ई को लेके आओगे अपनी फर्स्ट पोजिशन पे, तो ई स्टार्टिंग में आएगा और तो बी अपना जाएगा लास्ट में। बी कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। और जो दो में पास अल्फाबेट बीच में मिडिल के अंदर ए ओ एल है, ए उनके अपने पास में एल बीच में रहेगा, पास में क्या आएगा ई ए एल बी, ऑप्शन कौन सा हो गया बी हो गया। क्या हो गया बी, क्या किया इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला अल्फाबेट है उसको ही चेंज किया है, बीच वाले जितने अल्फाबेट होंगे इसमें उसको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, उसको सेम जैसे है वैसे का वैसे रहने देना है, फर्स्ट को लास्ट में और लास्ट को फर्स्ट में चेंज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें रेंज को लिखा हुआ है और अरेंज को लिखा हुआ है, उसी में आपको ट्रेंड को लिखना है। रेंज को लिखा है और अरेंज को लिखा, तो क्या लिखा है इसमें देखिए आपकी रेंज लिखा हुआ है, चलिए लिखिए रेंज आर ए एन टी और ई है, ई है, और क्या लिखते हैं यहाँ पे एफ की वो भी लिखा हुआ है ना इसमें क्यू ई और डब्ल्यू लिखा हुआ अपने को। आप देखिए कि जो लास्ट वाला है उसमें अपने प्लस वन करें तो एफ आर है, और सेकंड वाला है सेकंड लास्ट को उसके लिखेंगे तो इसमें प्लस क्या किया है टू, क्योंकि जी अपने कितने पे होता है 7 पे होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, एन अपना कितने पे होता है 14 पे होता है, और क्यू अपना होता है 17 पे। मतलब 14 से 17 करने के लिए इसमें क्या किया प्लस 3 किया है, और ए होता है अपना 1 पे और ई होता है 5 पे। ये क्या किया इसके अंदर प्लस 4 किया है, प्लस क्या किया 4 किया है, पहले प्लस 1 था फिर प्लस 2 फिर प्लस 3 फिर प्लस 4, अब क्या करेंगे आप इसमें प्लस 5, क्या करेंगे प्लस 5 करेंगे। सेम आप इसको भी देखिए चेंज ए आर ए सी ई है, इसके लिए क्या करेंगे तो लास्ट वाला है इसमें प्लस 1 करेंगे तो मतलब एफ आना चाहिए, एफ आ रहा है अपने पास में एफ तो सही है। ई में क्या करोगे आप प्लस 2 करना है, प्लस 2 करने से क्या है आई, और 2 पे कितना अपने पास में आई है तो सही है। ए के लिए क्या करोगे आप प्लस 3 करना है इसमें, और 3 करने से क्या आ रहा है इसमें डी आ रहा है, तो डी
सेम यही ऑर्डर बन रहा है। तो अपने जो पी आर ए एन के पूछा है इसमें भी सेम ऑर्डर अप्लाई करना है। सेम ऑर्डर अप्लाई करने के लिए क्या लिखोगे आप, उसमें जो लिखा है उसको तो लिखिए पहले। जो लास्ट वाला है इसमें प्लस वन करेंगे, क्या करेंगे प्लस वन करेंगे। अब प्लस वन करने से क्या हो गया, यहाँ पे आ गया एल हो गया। एंड में प्लस टू करना है, क्या करना है प्लस टू करना है। प्लस टू करने से क्या हो गया इसमें टी आ गया, टी हो गया अपने पास में। सोलह पे आता है ना पी, तो सोलह पे हो गया। ए अपने एक पे आता है, इसमें क्या करना है कि प्लस थ्री करना है, क्या करना है प्लस थ्री करना है। प्लस थ्री करने से यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा अपने पास में टी आ जाएगा। और आर में अपने क्या करेंगे प्लस चार करेंगे, प्लस चार करने से क्या आएगा अपने पास में वी आएगा। और जो अपने पास पी है पी में क्या करोगे प्लस फाइव करोगे, तो प्लस फाइव करने से अपने पास में क्या आएगा यू आएगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन। इसमें क्या किया है कि जो लास्ट वाला है इसको रिवर्स में लिखना है, लेकिन इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस वन करना है, फिर प्लस टू करना है, प्लस थ्री करना है, प्लस फोर करना, उसके बाद में प्लस फाइव करना है। अगर इसमें पांच अल्फाबेट थे तो सिक्स अल्फाबेट होते तो सिक्स प्लस तक जाते इसमें। जैसे कि इसमें ऑर्डर दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये वाला, कि लास्ट वाले को क्या किया फर्स्ट से कोट करना है और फिर फर्स्ट को लास्ट वाले सेम ऐसे है कि जो लास्ट में था ना यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में लिखा, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड पे रखा, थर्ड लास्ट को थर्ड पे रखा, फोर्थ लास्ट को फोर्थ पे, और जो फिफ्थ था अपना लास्ट में उसको फिफ्थ में पे रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसमें, जो टी आर ए वी एस को डी यू जे वी बी वाई में लिखा गया है, और जो बी यू टी एल टी एस को लिखा है डब्ल्यू एक्स ई वी डब्ल्यू ओ में लिखा है, तो उसी में स्प्रेड को अपने को लिखना है। क्या करना भाई, उसी में स्प्रेड को लिखना है। तो पहले अपने दो दो दिए हुए इसमें देखिए, आप पहले इसमें भी दिया कोड, फिर इसमें भी दिया, फिर दो कोड को चेक करके आपको थर्ड कोड को निकालना है। इसमें दो को क्या करना है चेक करना है और थर्ड को निकालना है। तो पहले फर्स्ट कोड को चेक कीजिए, फर्स्ट कोड में कैसे वो लिखा हुआ है, फर्स्ट में कैसे लिखा हुआ है, सेम लिखिए आपके यू से वी पी और वाई लिखा। इसमें क्या किया कि ये नंबरिंग लिखवा पहले सेवन, और ये कितने पे आता है आप एक पे, ठीक है। तो ऐसे लिखा आपको, उसमें देखिए कि जो स्टार्टिंग में थर्ड है उसको रिवर्स करके देखिए आप। इसमें अगर आपको प्लस थ्री करें आपने प्लस पे जी आता है, और इसमें प्लस थ्री करने से किस पे कितना आता है यू आता है, और एक में प्लस थ्री करने से डी आता है। अब क्या किया प्लस थ्री किया है, लेकिन स्टार्टिंग जो तीन को रिवर्स में लिखा प्लस थ्री करके, तो जो लास्ट के है उनको भी क्या करो आप रिवर्स में करके प्लस थ्री करना आपको। बी में प्लस थ्री करने से क्या आएगा अपने पास में वाई आएगा, तो वाई में प्लस थ्री करने से बी कैसे आएगा, कि इसमें वाई के बाद में क्या है जेड है फिर ए है फिर बी है, कि जेड के बाद में वापस में ए से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर जिसमें कि वाई लास्ट में था सेकंड लास्ट में, तो इसके बाद में जेड है, फिर जेड के बाद में क्या करोगे आप काउंट ए से स्टार्ट करो ए और बी, तो प्लस थ्री में आ गया। फिर एस में प्लस थ्री करने से अपने को क्या मिल जाएगा वी, क्या किया प्लस थ्री किया, लेकिन इनको क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्या किया दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और फर्स्ट थ्री थी उनको रिवर्स में लेके प्लस थ्री एड करना है, और जो लास्ट के थे उसको रिवर्स करना और प्लस थ्री करके लिखना है। इसको सेम अपने क्या करेंगे स्प्रेड को लिखना है, स्प्रेड को लिखना है एस पी आर ई ए डी अपने पास में। तो दो पार्ट में डिवाइड किया आपने, स्टार्टिंग के थ्री और लास्ट के भी थ्री हो गए। तो इसमें क्या किया, इसमें जो आर अपना उसको फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, लेकिन इसमें थ्री एड करना है, क्या करना है थ्री एड करना है। आर में थ्री एड करने से क्या हो जाएगा यू, और पी में थ्री एड करने से अपने पास में क्या मिलेगा अपने पास एस हो जाएगा, एस हो गया। और अपने पास एस में थ्री एड करने से अपने को क्या मिलेगा वी, ठीक है। इसमें क्या देखिए, सोलह पे ये वाला, ये अठारह पे, ये अपने पास उन्नीस पे है, ठीक है, और ये कितने पे है उन्नीस पे है, कितना हो गया बीस पे, और ये हो गया अपने पास इक्कीस में। उन्नीस से इक्कीस के लिए प्लस थ्री है, सोलह से उन्नीस के लिए प्लस थ्री, और अठारह से बीस के लिए ये बीस हो गया, क्योंकि इसमें बीस में डिफरेंस देखो क्या दो का मिल रहा आपको, लेकिन उन्नीस से क्या करना बीस इक्कीस, ठीक है। और लास्ट के अपने पास में क्या करना है थ्री ऐड करना है इसमें भी, और लास्ट में क्या करोगे ई को लास्ट में लिखोगे थ्री ऐड करके, थ्री ऐड करने से ई के लास्ट में क्या आएगा अपने पास में
फाइव में थ्री एड करोगे तो एच बनेगा अपने, क्या अपना एच बनेगा। ए में थ्री एड करोगे तो क्या बनेगा, डी बनेगा। और डी में थ्री एड करने से अपने पास में जी आएगा, जी सेवन नंबर बनेगा। तो यू एस वी एच नहीं है इसमें, क्या फिर डी ई डी एच अपने पास ऑप्शन कौन सा है इसमें, जो फोर्थ ऑप्शन अपने पास में कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। क्या क्या कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड करना अपने को, फर्स्ट थ्री हो गए और लास्ट थ्री हो गए। फर्स्ट थ्री को क्या किया कि रिवर्स में करना आपको, लेकिन थ्री ऐड करके लिखना है। और लास्ट वाले तो थ्री डिजिट अल्फाबेट है उसको भी रिवर्स में करना है, और फिर क्या करना है इसको थ्री प्लस करके लिखना है, इसको रिवर्स में लिखना है। दोनों को रिवर्स नहीं करना, आधे आधे पार्ट को रिवर्स में करना है। क्वेश्चन क्या अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ और लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है कि जैसे कि टू फाइव थ्री है, टू फाइव थ्री को लिखा है कि बुक्स आर ओल्ड है, और फाइव फोर सिक्स को लिखा है कि पेन इज ओल्ड है, तो थ्री सेवन एट का मतलब लिखा है कि बाय गुड बुक्स है। अपने से जो ये आर है इसका मीनिंग पूछे कि आर को क्या कोड लिखा है इसमें, कि जो नंबरिंग है ना इसमें आर को क्या लिखा गया है। इसके लिए क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन से क्या होता है कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप हमें देखनी होती है कि किस वर्ड के लिए कौन सा नंबर यूज किया हुआ है, कि किस नंबर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है। तो नंबर लिखिए आप इसमें टू फाइव थ्री लिखा है, इसके आगे अपने लिखिए कि बुक्स आर कार ओल्ड होगा, और आगे क्या लिखा है कि फाइव फोर सिक्स लिखा है अपने पास में। ये क्या है कि मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। नेक्स्ट क्या है कि थ्री सेवन एट लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे आप, बी वाई गुड बुक्स ये लिखा हुआ है। कि इसमें क्या करोगे आप, देखिए कि जो फर्स्ट वाली है तो इसमें कौन सा कॉमन है, ये जो फाइव है ना ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इसमें ओल्ड, क्या हो गया ओल्ड भी कॉमन है इसमें दोनों में, के लिए क्या इसमें फाइव लिखा हुआ है। ओल्ड के लिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ओल्ड क्या है फाइव, ओल्ड के लिए फाइव कोड हो गया। देखिए आप जो फर्स्ट वाला है तो ट्रेंगल में बंद किया, और लास्ट में थ्री है उसको भी ट्रेंगल में बंद किया। फर्स्ट और लास्ट वाले में क्या कॉमन है, बुक्स कॉमन है ना, बुक्स को बुक्स कॉमन है। तो सिंबल अलग अलग ये कि आपको समझ में आए कि भाई स्टार के लिए स्टार दे दिया, राउंड के लिए राउंड है, इसमें ट्रेंगल के लिए ट्रेंगल है। तो बुक्स के लिए क्या कोड है यहाँ पे, थ्री है, के लिए कोड क्या है इसमें थ्री कोड है। अब देखिए इसमें फाइव भी हो गया और थ्री भी हो गया, टू बचा वो किसके लिए कोड हो गया, आर के लिए। तो टू है वो किसके लिए कोड हो गया इसमें, आर के लिए हो गया, किसके लिए हो गया आर के लिए हो गया। अगर इसमें पूछा है कि आर आर के लिए पूछा है तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बस दो हो गया, आर को दो से लिखना है, टू से लिखा हुआ है। आगे भी अगर इसमें पूछे कि अगर इसमें पूछे आर का तो हो गया, अब मैन और इज है, फोर सिक्स है और सेवन एट में टू कॉमन नहीं है ना। अगर पूछा जाए कि गुड के लिए क्या होगा, पूछा जाए गुड के लिए पूछा जाए तो आपको पता नहीं कि सेवन भी हो सकता है गुड के लिए और एट भी हो सकता है, पर फिक्स नहीं है कि सेवन या एट है। अपनी क्या लिखेंगे गुड के लिए पूछा जाए तो सेवन या एट, एक है इनमें दोनों नहीं है, लेकिन दोनों में से कौन सा ये कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए क्या लगाया कि या की कंडीशन लगाइए कि या तो सेवन होगा या फिर एट होगा, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते, होगा दोनों में से एक होगा। तो गुड के लिए क्या होगा इसमें, सेवन या फिर एट होगा। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो आर है अपने लिए उसका जो मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो मतलब दो से डिनोट किया इसमें आर को, पांच से लिखा इसमें होल्ड को, और जो तीन है तीन को क्या लिखा बुक्स से, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि मेन के लिए क्या कोड है तो मेन के लिए भी ये लिखेंगे कि फोर या सिक्स, फोर या सिक्स। इसके लिए पूछेंगे तो लिखेंगे फोर या सिक्स, क्योंकि ये दोनों दो है इसमें मेन और इज, और दो ही अपने पास में क्या है डिजिट है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सी डिजिट इसमें है। तो क्या लगेंगे या की कंडीशन लगाएंगे, क्या करेंगे या की कंडीशन, ठीक है समझ में आ गया होगा। में क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे जैसे इसमें दिए हुए हैं कॉमन है वो तुमने फाइंड आउट कर सकते हैं, कि जैसे इसमें कॉमन क्या था ओल्ड था दोनों में, इसमें फाइंड कर लिया कि दोनों में कॉमन क्या फाइव आ रहा है, तो भाई फाइव तो फिक्स है कि ओल्ड हो गया, लेकिन मेन और किस के लिए फोर और सिक्स, तीनों के अंदर किसी में फोर और सिक्स नहीं है, सिर्फ
बीच वाली में है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? या की कंडीशन लगानी होगी, क्या करना होगा? या की कंडीशन लगानी होगी। सेम देखिए पिछले क्वेश्चन की वैसे ये वाला क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के बेस पर ही है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है। सेम ये था कि जिसमें कि ओल्ड था और ओल्ड ही इसके अंदर है, क्या करोगे ओल्ड के लिए फाइव, क्या लिखोगे ओल्ड के लिए फाइव हो गया, ओल्ड के लिए फाइव हो गया। आर के लिए भी बताया था आपने कि टू है, आर के लिए क्या है कि टू वाला है ना, ये आर के लिए है टू है। बुक्स के लिए क्या बचा अपने पास में थ्री, ये बुक्स के लिए क्या बताया था आपने भी थ्री आर है, हो गया थ्री हो रहा बुक्स के लिए। क्योंकि जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूरा डिस्क्राइब किया दे वाला कि बुक्स के लिए क्या लिखा हुआ, इसमें देखिए आप थ्री, इसमें हर अपने जो वर्ड है ना उसका कोड निकालना है कि कौन से नंबर का क्या कोड है। सेम ये क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन के इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन ले लिया आपको समझाने के लिए, बुक्स के लिए क्या इसमें थ्री कोड है, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी बेस पर ही है, ठीक है उसी बेस पर है। तो इसमें देखिए आप क्या हु आर यू को लिखा है कि फोर थ्री टू पे, ए इज यू, ए इज यू लिखा है तो फोर एट फाइव, दे आर डेंजर्स को लिखा है टू नाइन फाइव, टू डेंजर्स के लिए क्या नंबरिंग है, इसमें क्या नंबरिंग है। तो आप देखिए कि इसमें हु आर यू को क्या लिखा है, उसको लिखा है कि फोर थ्री टू, और जो सेकेंड है ए इज यू, इसको क्या लिखा है कि फोर एट फाइव लिखा है, और दे डेंजर्स टू नाइन फाइव लिखा है। तो देखिए आप जो फाइव है ये कॉमन है ना दोनों में, लास्ट में दोनों में कॉमन है फाइव, फाइव के लिए क्या कोड हो जाएगा आप बताइए, फाइव के लिए दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है मेरे पास में, फाइव के लिए फिक्स हो गया कि दे किसके लिए फाइव के लिए, यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए के लिए फाइव है, ए के लिए फाइव हो गया, और तो फर्स्ट और सेकंड है में देखिए फोर है, फोर है ना, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है यू है, तो फोर के लिए क्या हो गया यू हो गया, फोर के लिए क्या हो गया यू हो गया। और जो फर्स्ट वाला और लास्ट में देखिए कि कॉमन क्या है, अपने पास में टू कॉमन है, टू है, और इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट वाले में क्या है आर है, आर। तो भाई आर किसके लिए डिनोट करता है, आर दो को डिनोट करता है, दो को कर इसमें दे भी हो गया आर भी हो गया, जो डेंजरस बचा बचा किसमें हुआ, वो डेंजरस के लिए कोड क्या गया हो गया, डेंजरस के लिए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में तो क्या है कि नो आया, लेकिन इसमें जितने भी अपने कोड है उनको सभी को डिफाइन करते हैं अपने, इसमें क्या बचा दे का भी हो गया और यू का भी हो गया, इसमें ईच है, इसके लिए क्या कोड होगा आठ, इसके लिए आठ होगा, और जो हु है इसमें हु के लिए क्या हो जाएगा थ्री कोड होगा। सभी के अंदर क्या डिपेंड किया आपने कि दे के लिए कोड निकाला, यू के लिए निकाला, आर के लिए निकाला, और अब इसमें तीन दिए है ना, इसमें अगर दो के लिए तुम्हें निकाले तो तीसरा ऑटोमेटिक जो बचा हुआ होगा रिमेनिंग नंबर होगा उसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा डेंजर्स के लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, इनमें नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके दो पार्ट दिए हुए हैं कि जैसे कि हु आर यू को लिखा है कि फोर थ्री टू लिखा है, को लिखा है कि फोर एट फाइव, और फिर आगे वाले को लिखा फाइव, आर को पूछा है, आपको पूछा इसमें तो आर के लिए क्या है इसमें, देखिए इसे कुछ में था डेंजर्स के लिए क्या था नाइन था, सिक्स था अपने पास में, आर के लिए था कि दे है दे फर्स्ट में है और दे इसमें सेकेंड में है, को आप इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है ए में कॉमन आ रहा फाइव, ए में कॉमन क्या आ रहा फाइव, ये फाइव हो गया अपने पास दोनों में, और डेंजर्स के लिए मैंने निकाला था पिछले क्वेश्चन में नाइन आ रहा है, रिमेनिंग क्या है टू रिमेनिंग है, और आर के लिए भी क्या हुआ टू हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उसमें नंबरिंग थे, इसमें थोड़ी क्या इसमें जो सिंबल्स है सिंबल्स को यूज किया हुआ है,
उसके लिए क्या है कि इसमें और अपने पास में क्या स्टार होगा, और गुड गेम प्ले के लिए क्या करोगे यहाँ पर फोटो गेम लिखा हुआ, इसके लिए क्या है कि डॉलर है, स्टार है और एंड का सिंबल है। फिर आगे क्या लिखी, प्ले दैट हार्ड, प्ले हार्ड को क्या लिखा हुआ है उसमें क्या पूछा कि गुड के लिए पूछा अपने से, गुड से निकालने के लिए क्या है, सभी को डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड है। देखिए भाई जो फर्स्ट कॉमन किसमें है कि गेम है, मैं भी गेम अपने पास में गुड है और गुड इसमें नहीं है, तो नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में प्ले, दोनों में प्ले है। क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाले हैं इसमें से गेम को लिखो करते हैं, सेकंड वाले को गेम, दोनों में कौन सा जो सिंबल है जो सेम आ रहा है अपने पास, स्टार है ना, दोनों में स्टार है, तो भाई स्टार किसके लिए हो गया, गेम के लिए स्टार हो गया, गेम के लिए क्या हो गया स्टार सिंबल हो गया, स्टार सिंबल हो गया। और प्ले, प्ले है ना इसमें, प्ले देखिए आप सेकंड में है और इसमें थर्ड में है, प्ले थर्ड में, सेकंड में और लास्ट में कौन सा सिंबल अपना सेम आ रहा है प्ले के लिए, प्ले के लिए कौन सा आ रहा है जो एंड का सिंबल है अपने पास में, ये डॉलर वाला है, एंड के लिए क्या हो गया इसमें प्ले लिखा अपने पे, गुड क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा अपने से, प्ले नहीं पूछा, गुड पूछा है, गुड के लिए, गुड के लिए गुड इसमें कौन सा रिमेनिंग अपने पास में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड का सिंबल है, गुड के लिए क्या हो गया एंड का सिंबल हो गया, गुड के लिए क्या हो गया एंड का सिंबल हो गया। अगर आपसे पूछे ही और इस के लिए हैश है और एट द रेट है, लेकिन हैश और एट द रेट आगे वाले दोनों के अंदर किसी में नहीं है, तो अगर पूछे कि ही के लिए क्या हो जाएगा, तो ही के लिए क्या लिखोगे आप, या तो एट द रेट होगा या कंडीशन लगाने के लिए अपने पास या की, या फिर अपने पास होगा हैश होगा, क्योंकि अपने को कंफर्म नहीं है कि ही के लिए एट द रेट आएगा फिर या हैश आएगा, इसके लिए एट द रेट है हैश है, दो वर्ड है और दो ही सिंबल है, तो दोनों कंफर्म है कि एक एक होगी, लेकिन कौन सा किसके लिए ये कंफर्म नहीं है, तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, या की कंडीशन लगाएंगे, या फिर में या की कंडीशन लगाएंगे। सेम उसी क्वेश्चन से क्या था कि इसमें हार्ड का पूछा हुआ है, हार्ड का पूछा हुआ, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था हार्ड का पूछा हुआ था, तो जिसने कि लास्ट वाला ही नहीं बोला, ये क्या है कि फिक्स नहीं है अपने पास में, ये वाला जो विस्मैडिक चिन्ह होता है वो वाला आएगा या परसेंटेज आएगा, या तो इन दोनों में एक आएगा, दोनों में एक ये भी आएगा कि हार्ड के लिए कौन कौन से सिंबल बचे, तो ये सिंबल बचा और ये वाला सिंबल बचा, ये दोनों सिंबल बचे और अपने पास क्या बचे थे हार्ड, तो कंफर्म नहीं है ना इसके लिए भाई, ये वाला भी हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये कि या तो ये होगा ये होगा, दोनों तो होने से रहे, तो क्या करेंगे ऑप्शन के लिए अपने डी को चुनेंगे, या तो ये वाला सिंबल होगा या फिर ये वाला सिंबल होगा, होगा एक, लेकिन इनमें से कौन सा कंफर्म नहीं होने पर या की कंडीशन होगी। अगर आपको पता है कि परसेंटेज आ रहा है तो परसेंट वाला लगाएंगे, ने बोर्ड वाला है तो ये वाला लगाएंगे, लेकिन दोनों में से एक है तो दोनों कंफर्म नहीं होने पर क्या करेंगे, या की कंडीशन लगानी होगी, क्या होगा या की कंडीशन लगानी होगी, तो आपको या की कंडीशन वाले भी समझ में आ गए और बिना या की कंडीशन वाले भी बता दिए। ये थे आज के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, तो क्लास खत्म करने से पहले क्या करते हैं इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेते हैं, रिवाइज करने के लिए क्या करते हैं एक बार आपको ब्रीफनेस का समझा देते हैं, तो अपनी आज की क्लास थी, आज से स्टार्ट हुई अपनी क्लास थी, यहाँ से सेंटेंस थी, थी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा लिखा हुआ था कि पेन और टेन है को अल्फाबेट में रिंग दिया और दोनों को प्लस किया दोनों साइड से, जो स्टार्टिंग वाले थ्री और लास्ट वाले थ्री दोनों को प्लस करना है और दोनों को डिफरेंस निकालना है, तो कितना गया जीरो है, वैसे डेन और प्रॉप का निकालना है कि पहले तीन प्लस किया तो 23 आ रहा है और फिर लास्ट थ्री को प्लस किया तो क्या आ गया अपने पास में 20 और दोनों को माइनस करने से क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था
PAT को PEM लिखा हुआ है, मतलब क्या कि बीच वाले अल्फाबेट थे उसको तो एज इट इज जैसे थे जैसे रहने दें, फर्स्ट वाले को लास्ट से कोड करना है और लास्ट को फर्स्ट से, लेकिन कोड क्या ना रिवर्स लिखना है, बीच वाले थे उनको सेम टू सेम रखना है। तो बैल को क्या किया कि बी को लास्ट में लिख दिया और जो लास्ट में तो ई था उसको फर्स्ट में लिख दिया और जो बीच में थे ए और एल था उसको एज इट इज सेम टू सेम लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, जो रेंज को लिखा है हुआ था उसमें क्या कि जो लास्ट वाला था उसमें प्लस वन करके फर्स्ट पे रखना है, लेकिन लास्ट को सेकंड में रखना है, लेकिन प्लस टू करना है, फिर प्लस थ्री करना है, फिर प्लस फोर, फिर प्लस फाइव, सेम अपने को जो पूछा है अपने सुप्रीम पी आर ए एम के रूप में, तो लास्ट वाले को फर्स्ट में रखना है और सेकेंड लास्ट को सेकेंड नंबर पे रखना है, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पे रखना अपना रिवर्स में है, लेकिन इसमें क्या पहले प्लस वन करेंगे, फिर प्लस टू करेंगे, फिर प्लस थ्री करेंगे, प्लस फोर और प्लस फाइव करेंगे, फिर इसमें पांच से रखा बैठे तो प्लस फाइव तक चलेंगे अपने वाले। और नेक्स्ट क्या था अपने पास में, नेक्स्ट में ये था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट थ्री को पार्ट में डिवाइड किया, फिर लास्ट को थ्री को डिवाइड, प्लस अलग रखा, दो पार्ट बनाए, जो थ्री वाले थे स्टार्टिंग वाले उनको क्या किया रिवर्स में लिखा है, लेकिन उसमें प्लस थ्री एड करके लिखा है, लास्ट वाली को भी रिवर्स में लिखा और भी थ्री एड करके लिखा है। सेम अपने को जो स्क्वायर का पूछा था तीन मतलब स्टार्टिंग है थ्री और लास्ट के थ्री, उनको रिवर्स में लिखना है प्लस, लेकिन क्या करना है थ्री एड करना है, ठीक एड करना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें कि भी नंबरिंग दिया हुआ है और इसका मीनिंग दिया हुआ है कि टू फाइव थ्री का मतलब है कि बुक्स आर ओल्ड है, लेकिन ये कन्फर्म है कि बुक्स के लिए टू है, फाइव है, थ्री है, उसके लिए अपने को यहाँ पे तीन या फिर चार जितने भी ये वाली सिक्वेंस अपनी इक्वेशन है वो अपने को मिलेगी। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है इसमें अपने को डिफाइन करना है, जो कॉमन है दो इक्वेशन से अपने एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या क्या इसमें जैसे फाइव है दोनों में आ रहा है, इधर भी देखेंगे तो दोनों में सेम होगा तो फाइव के लिए कोड होगा, जैसे कि फर्स्ट ये फर्स्ट में और थ्री में लास्ट वाले में थ्री है ये कॉमन है, तो फर्स्ट और थ्री में जो कॉमन होगा वो इसके लिए कोड होगा, उसे कोड निकालनी है। और लास्ट वाले क्वेश्चन तो तीन चार थे उसी बेस पे है, कोडिंग एंड डिकोडिंग इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले जो आपको ना एग्जाम में, एग्जाम इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो रिवाइज करते रहिए पढ़ते रहिए। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और